नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर सोनिक सर यूट्यूब चैनल की एक और न्यू क्लास में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी गई है। और आपके लिए मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि संविधान के टॉपिक संविधान से 3 पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं। इंग्लिश के टॉपिक कंजक्शन से 2 पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं। इसके अलावा मैं इंग्लिश के ही डिग्री टॉपिक से 1 पार्ट चैनल पर अपलोडेड है। आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर सिंपली विजिट ऑन करके उन्हें देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर भी आपको वो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है जो आपको फ्यूचर में काम आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेल और फीमेल, जो कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और के दोनों एनडीए के जैसे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मेल और फीमेल का जो कंबाइंड करके जो बनता है वो बनता है जेंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने कंबाइंड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई ये तो ठीक है, यहाँ तक कि आपने ये जेंडर हमारे लिए बता दिया, मेल और फीमेल का कंबाइंड जो होता है वो जेंडर होता है। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एनडीए में भी इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ एक हमारा डाउट है कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले हमारे लिए, वो तो बता दो ना सर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपका कोई वर्ड रख लिया, जैसे लेड, एल एड, एल ए डी, ये रख लिया और पूछ लिया व्हाट इज द दिस वर्ड फीमेल। तो यदि आपसे इसका लेड का जैसे आपको पता है, एल ए डी यदि आपको पता होगा तो आप तुरंत फीमेल चूज कर लोगे, और यदि आपको नहीं पता है तो आप चूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, लेड, एल ए डी, इसका फीमेल होता है लेस। और दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपसे कोई सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस में इनवर्टेड कॉमा में आपको मेल बंद करके आपसे फीमेल पूछ लेगा, या फिर फीमेल जो है इनवर्टेड कॉमा में रखकर वो मेल पूछ लेगा। सो फ्रेंड्स, इन दो टू टाइप से ही जो एग्जाम्स में जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये हमारे मेल और इधर फीमेल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेड, एल ए डी, तो लेड, एल ए डी, लेड माने होता है लड़का। तो लड़का का जो फीमेल होता है वो होता है लड़की। तो एल ए डबल एस, लेस माने होती है लड़की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विजार्ड, डब्ल्यू आई जेड ए आर डी, और इसका होता है वाच, डब्ल्यू आई टी सी एच। तो इस विजार्ड का फीमेल होता है वाच, डब्ल्यू आई टी सी एच। और विजार्ड माने होता है लक्कड़ बग्गा फ्रेंड्स। इसके बाद बढ़ते हैं जेंडर, और जेंडर में जाने की जय जी, अब देखो आप जेंडर और ये जेंडर, इसमें कितना फ़र्क है। केवल ई और ए का ही अंतर है, और देखो पूरा मीन ही बदल गया है इसका। तो यहाँ देखिए, जेंडर, जी जी ए एन डी ए आर, इस जेंडर का मीन्स होता है नर, हंस। और इसका जो फीमेल होता है गॉस, जी डब्ल्यू एस ई, गॉस। गॉस मान होता है मादा हंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं, आपको मीनिंग्स भी याद रख करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये पूछा जाता है, आपको पूछ लेगा कि जेंडर हु इज़ द व्हाट इज़ द फीमेल ऑफ दिस वर्ड। तो जेंडर का आपसे पूछ लिया तो आपको ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन नंबर ए में गॉस, जी ओ एस ई, दूसरे में दे देगा जी डब्ल्यू एस ई, इसके बाद तीसरे में दे देगा जी ओ डबल एस ई, और चौथे में दे देगा जी ओ एस डबल ई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूछ सकता है वो आपसे। तो आपको मीनिंग्स भी याद करके चलने हैं, कि मीनिंग्स या पूरी तरह याद करके चलने हैं, जो से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पसंद समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्टैच, एस टी ए जी, स्टेज, और इसका जो फीमेल होता है हेन, एच आई एन डी। इसके बाद नेक्स्ट है फॉक्स, एफ ओ एक्स, जैसे कि हमें पता है फॉक्स मान होता है लोमड़ा यानी लोमड़। और विक्षण, विक्षण, वी आई एक्स ई एन, विक्षण मान होता है लोमड़ी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं रैम, आर ए एम, तो रैम मीन्स होता है, आपको मैं बता दूँ, जो घेड़ा, भेड़ा यानी भेड़, भेड़ों के साथ जो रहता है जिसे भेड़ा बोलते हैं वो होता है रैम माने भेड़ा। और ईव, ईव, ई वी ई, ईव माने होती है
भेड़। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर सिप भी पूछ सकता है, SHEEP। सिप सिप माने भी जो है आपका भेड़ होती है, और रैम RAM रैम माने होता है भेड़, भेड़ा या मेड़ा। और फ्रेंड्स ईव EVE और ईव ई माने होता है आपका भेड़ या भेड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बुक BUCK बुक। और बुक माने फ्रेंड्स होता है आपका नर खरगोश, BUCK। मीनिंग्स को याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है ये बुक BUCK। बुक माने होता है नर खरगोश, डॉय DOE इसको भी याद रखिएगा, डोई माने होता है मादा खरगोश। नेक्स्ट बढ़ते हैं ड्रैग, और DRAKE। और इस ड्रैग ड्रैग मीन्स होता है नर बतख, क्या होता है नर बतख। और डक DUCK डक, और डक माने होता है मादा बतख। तो सभी को अच्छे से याद करिएगा, तभी आपको एग्जाम्स में काम आएंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहते कि आपको इसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं, और जो कि एग्जाम्स में पूछ जाने की बहुत बहुत चांसेस बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद बढ़ते हैं मास्टर, और इस मास्टर का जो होता है फीमेल होता है मिस्ट्रेस, और यह होता है मास्टर, और मास्टर इस मास्टर का जो फीमेल होता है मिस। तो आई होप आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे हो गया मास्टर, ये भी एक है MASTER, MASTER, तो इसका फीमेल अलग क्यों और इसका अलग क्यों है। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बता दूं, कोई बड़ा व्यक्ति होता है जिसकी एज, जो आपके लिए बता दूं, जिसकी शादी हो चुकी है, तो शादी शादी हो जाने के बाद यदि उसको हम मिस्टर मास्टर बोलते हैं मास्टर, तो उसकी वाइफ जो होती है उसको मिस्ट्रेस बोलेंगे। जैसे मिस्टर संजय गुप्ता एंड मिस्ट्रेस शिवानी गुप्ता, तो फ्रेंड्स मिस्ट्रेज लगेगा। और ये मास्टर जो होता है ये जिसकी शादी नहीं होती है और तो उसको मास्टर बोलते हैं, और जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसको मिस बोलते हैं। जैसे मिस्टर मिस्टर विवेक एंड मिस MIS मिस पूजा। तो फ्रेंड्स ये इनमें यही मीन है, आपसे वो स्पष्ट जैसे सेंटेंस में पूछता है तो आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस में यदि आपको लिख के दे देगा तो आपको पता चल जाएगा भाई वो लड़का बोल रहा है या उसकी शादी हो चुकी है या नहीं है, वो लड़का है या कोई पूरा मैन है। तो फ्रेंड्स आपको सेंटेंस में इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वरना आपको मास्टर का पूछता है आपको MASTER, तो आपको मिस्ट्रेस यही पूछेगा। और यही पूछने पर जो आपको कोई सा भी पूछेगा इनमें से, आपको दोनों ही एग्जाम्पल दोनों ही ऑप्शंस में नहीं मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बेफिक्र रह के याद करिएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस और मास्टर का मिस दोनों ही होता है। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। तो इसके बाद है सॉन्ग स्टार, सॉन्ग स्टार SONGSTAR, सॉन्ग स्टार माने जो गायक होता है उसे सॉन्ग स्टार कहते हैं, और उसका जो फीमेल होता है सॉन्ग स्ट्रेच। यानी फ्रेंड्स ये जैसे सॉन्ग स्टार का जो फीमेल होता है वो होता है सॉन्ग स्ट्रेच, याद मीनिंग्स को याद रखिएगा। सॉन्ग से SONGSTAREES ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बनता है ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसका फीमेल होता है एडमिनिस्ट्रेटिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये होता है अपना एक्सक्यूटर, तो एक्सक्यूटर का होता है आपका फीमेल होता है एक्सक्यूटर का आपका फीमेल होता है एक्सक्यूट्रिक्स। तो और इसके बाद अपना टेस्टर, और टेस्टर का जो फीमेल होता है टेस्टरिक्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ ट्रिक भी, यदि किसी भी सेंटेंस आपके लिए दे दिया जाए एग्जाम में और उसके पीछे यदि TOR आ रहा है, क्या आ रहा है TOR, तो TOR की जगह आपको क्या कर देना है TRIX। तो फ्रेंड्स ये मैंने ट्रिक बनाई है जिसे आप याद रखिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस जो कि आपका वर्ड है उसके बाद में TOR आ रहा है और उसका फीमेल बनाने के लिए वो बोल रहा है, तो आप
और उसके पीछे TRIX जोड़ देंगे तो उसका फीमेल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और यदि वो फीमेल दिया हुआ है और TRIX है तो इसका मेल बनाने के लिए आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है, TRIX का TOR कर देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो में, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हम यदि हमसे कोई आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो हम वो भी आपके लिए ज़रूर से बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं जैकेस, और जैकेस माने होता है आपका नर गधा, और जेनियस, जेनियस माने होता है मादा गधा यानी गधी। ड्रोन DRONE, ड्रोन, ड्रोन माने होती है नर मधुमक्खी, और बी माने होती है मादा मधुमक्खी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पर, और यहाँ पर हम देखते हैं चेयरमैन, और इसका जो फीमेल हो जाएगा चेयर पर्सन। इसके बाद है मेल, और मेल में है आपका स्पोक्समैन, और स्पोक्समैन का फीमेल हो जाएगा स्पोक्स पर्सन। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका जो ट्रिक चल रहा है, यदि किसी भी सेंटेंस में जो सॉरी फ्रेंड्स यदि किसी भी वर्ड के अंत में मैन आ जाए, यदि किसी भी वर्ड के अंत में मैन आ जाए, क्या हो जाए मैन, तो उसका मैन की जगह पर्सन कर देने पर उसका जो है फीमेल बन जाता है। और यदि उस फीमेल देकर मेल पूछता है तो पर्सन की जगह मैन कर देने पर उसका जो है मेल बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बढ़ते हैं बोर, BOR, और बोर माने होता है आपके लिए बता दूं मैं सुअर, और सो SOW, सो माने होता है सुअरिया। तो कोल्ट, कोल्ट COLT, कोल्ट माने होता है घोड़े का बछड़ा, घोड़े का बच्चा, और फिली माने होते हैं घोड़े की बच्ची। इसके बाद आता है डक, और डक माने होता है आपके लिए बता दूं मैं, डक माने सामंत, डक माने होता है आपका सामंत होता है, क्या होता है डक माने होता है आपका सामंत, और डक डसेज माने होता है उसकी जो वाइफ होती है उसको डसेज बोलते हैं। डक माने होता है आपका सामंत। और फ्रेंड्स मैं आपके लिए यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इंग्लैंड के जो राजा है उसको जो है डक बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी जो कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन के लिए जो कि इंडियन एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जाता है वाई ग्रुप में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इंग्लैंड के राजा को क्या बोला जाता है। तो इंग्लैंड के राजा को फ्रेंड्स डक बोला जाता है, कौन सा डक, DUCK, और डक माने होता है सामंत। इंग्लैंड के राजा को डक बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा वीडियो है 12-1 मिनट का, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं पंकज जोशी मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय फ्रेंड्स।